नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा सिंह। बड़ी शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं लखनऊ से। कल से प्रदेश में पिंक बूथों पर भी वैक्सीनेशन होगा। महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाए गए हैं। हर जिले में एक पिंक बूथ तैयार किया गया है। तो खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर कल से प्रदेश में महिलाओं के लिए बूथ बनाया गया है। हर जिले में एक पिंक बूथ तैयार किया गया है, जहां पर सिर्फ महिलाओं का ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि पिंक बूथ में सिर्फ महिलाएं ही अपना वैक्सीनेशन करवा सकेंगी। तो खबर आपको लखनऊ से बता रही है, जहां पर हर जिले में एक पिंक बूथ तैयार किया गया है, और इस पिंक बूथ में कल से महिलाओं का वैक्सीनेशन होगा। हर जिले में यह पिंक बूथ बनाया गया है, जहां पर महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। एहतियात का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाएगा। मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ लखनऊ से विवेक तिवारी। विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह, जिस तरीके से महिलाओं के लिए अलग से बूथ तैयार किया गया है, कल से हर जिले में बूथ पे जो वैक्सीनेशन का काम है वो किया जाएगा, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक एक पिंक बूथ भी लगाया गया है। ये कल से ऑपरेशनल हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ महिलाओं का टीकाकरण हुआ, यानी जो बच्चियां हैं 18 से 44 साल या 44 साल से ऊपर के जो महिलाएं हैं, उनको वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जाएगा। अभी तक अलग अलग बूथ जेंडर के हिसाब से नहीं बने थे, ये पहली बार शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। कल से ये फंक्शनल हो जाएगा, और यहाँ पर जो स्टाफ होगा वो भी महिला स्टाफ ही होगा जो महिलाओं को वैक्सीनेशन लगाएंगी। तो महिलाओं के लिए एक अलग से ये व्यवस्था कल से उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है। बहुत अच्छी पहले, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार खुद महिलाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर अब जिले भर में अलग अलग बूथ तैयार किए गए हैं, जहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही वैक्सीनेशन करवा सकती हैं। विवेक जी, जी हाँ, सिर्फ महिलाओं के लिए होगा। अभी तक जो बूथ बने थे उसमें सभी वर्ग के लोग जा सकते थे, और उनको रजिस्ट्रेशन करा के लाइन लगा कर बूथ में अपना टीकाकरण करवाना होता था, जिससे महिलाओं को थोड़ी असुविधा होती थी। बहरहाल, अब जो जिनका रजिस्ट्रेशन पूरे बूथ पे है, महिलाएं चाहे तो वहां भी टीकाकरण करवा सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। लेकिन ये महिलाओं के लिए अलग से टीकाकरण है, तो महिलाओं के लिए दो तरह के बूथ हो गए। एक तो जो पिंक बूथ होगा हर जिले में, वहां पर वो अलग से जाकर सिर्फ महिलाएं ही वहां पर जाकर के लगवा सकती हैं, और दूसरी तरफ महिलाएं उन बूथ पर भी जा सकती हैं जहां पहले से वैक्सीनेशन हो रहा है, तो उनके लिए एक सुविधा दी गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक अच्छी खबर महिलाओं के लिए कि हर जिले में एक अलग से पिंक बूथ बनाया गया है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही जाकर वैक्सीनेशन करवा सकेंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में पुलिस ने 25,000 के इनामी नीरज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है, और उसके साथ ही शराब बनाने का सामान सप्लाई करने वाले ठेकेदार चौप सिंह और बनवारी लाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने करीब 200 ठिकानों पर दबिश दी थी, और इस मामले में अब तक 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले पुलिस ने 50,000 के इनामी विपिन यादव और 25,000 के इनामी मुनीश शर्मा को गिरफ्तार किया था, और अब नीरज चौधरी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने शराब माफियाओं की 100 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की है, साथ ही 5 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त कर दिया है। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मृत्यु के संबंध में मेरे द्वारा 6 टीमें गठित की गई थी, जो लगातार एक हफ्ते से 6 राज्यों में दबिशें दे रही हैं, जिसमें प्रमुखता से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये शामिल हैं। जगह अलग अलग जनपदों में रेकी भी की जा रही है, दबिशें भी दी जा रही हैं, और इनमें अगर हम अब तक गिरफ्तारी की बात करें तो 17 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 40 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रमुखता से अगर बात करें तो 50,000 का इनामिया विपिन यादव, 25,000 का इनामिया मुनीश शर्मा, और आज ही हिरासत में लिए गए 25,000 का इनामिया नीरज चौधरी, जो कि मुख्य अभियुक्त अनिल चौधरी का साला लगता है, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
के साथ जुड़ चुकी है संवाददाता रागनी पांडे। रागनी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको पता है कि जो अलीगढ़ में शराब कांड हुआ था उसमें काफी लोगों की मौत हुई थी और काफी लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। तो उसको लेकर जो योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया था, उसी के तहत ये सारी कार्रवाई की गई थी। क्योंकि जितने भी लोग पकड़े गए हैं और सब पे रासुका लगा हुआ था और उनके जितने भी उनके कह सकते हैं संपत्ति है और जितने भी आपराधिक मामले हैं सबको खंगाले गए हैं। पूरे 10 साल के मामले को खंगाल कर रख दिया है पुलिस ने और जितने भी रिकॉर्ड खंगाले हैं सब में आपराधिक मामले जुड़े हैं कहीं ना कहीं से। और इसी मामले को लेकर उनकी संपत्तियों को टटोला जा रहा है, उनके पिछले रिकॉर्ड को टटोला जा रहा है और 193 मुकदमों में 475 शराब अपराधी चिन्हित किए गए हैं और सभी के खिलाफ कड़ी पूछताछ के आदेश भी दिए गए हैं। और इसी को लेकर उनकी जो संपत्ति है उनको भी, उनके अवैध कब्जों को भी सरकार नेस्तनाबूद कर रही है। बिल्कुल रागनी, क्योंकि अब जो योगी सरकार है किसी को बख्शने के मूड में नहीं। हालांकि जिस तरीके से जहरीली शराब से कई लोगों की मौत भी हो गई है, इसको लेकर जिस तरीके से आपने अपडेट भी दिया कि कई लोगों की आंखें की रोशनी भी यहां पर चली गई थी। फिलहाल जिस तरीके से जो आरोपी पकड़े गए हैं इसको लेकर भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रागनी, कितने आरोपी पकड़ में आ चुके हैं और कितने की तलाश अभी भी जारी है? रागनी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, संपर्क टूट गया है जी। रागनी, चलिए रागनी, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के। नजर बनाई रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आगरा के इत्मादपुर में स्थित नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में समाजसेवी संस्था श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी के सहयोग से पोस्ट कोविड 19 सेंटर खोला गया है, जिसका उद्घाटन आगरा मेयर नवीन जैन ने किया, जहाँ 7 जून से पोस्ट कोविड के मरीज भर्ती हो सकते हैं। कोविड की पहली और दूसरी लहर में सैकड़ों मरीजों को इस अस्पताल के द्वारा स्वास्थ्य भी दिया गया था, वो स्वस्थ भी हो गए थे। इसके साथ ही अब जो मरीज कोरोना संक्रमित होने के बाद तकलीफों का सामना कर रहे हैं उनका इलाज भी किया जाएगा। माननीय मेयर साहब के द्वारा ये पोस्ट कोविड केयर कैंप का उद्घाटन किया गया है, जो सोमवार 7 जून से शुरू होने वाला है। इस कैंप में वो लोग लाभान्वित होंगे जो विभिन्न तरीकों से ठीक तो हो गए कोविड से, लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं है। मानसिक रूप से ठीक नहीं है और शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। खांसी बनी हुई है, ऑक्सीजन का लेवल बना हुआ है, चिड़चिड़ापन है, शरीर में शक्ति नहीं आ रही है। तो हम लोग यहाँ उनको आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से और पंचकर्म के माध्यम से उनको पूर्णतः दोबारा से उनकी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता को पूर्णता लाने का ऐसा प्रयास करने वाले। यहाँ पर नेमनाथ हॉस्पिटल जो मुईपुर में स्थित है, मैंने आया देखा मैंने और बड़ा मुझे आश्चर्य लगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग और सारा व्यवस्थित साफ सफाई से लेके और जिस प्रकार से जो एक बिल्डिंग के अंदर कमरों की स्थिति होनी चाहिए हॉस्पिटल के रूम में, वह सब चीज़ें यहाँ पर हैं। और एक प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं जिन्हें नर्सिंग होम भी हम कहते हैं, उनसे भी अच्छी व्यवस्था देखने को मुझे मिली। और पंचकर्मा और उसके माध्यम से यहाँ पर जो पोस्ट कोविड मरीज हैं जो कोविड के आने पर ठीक तो हो गए लेकिन अभी भी अपने आप को ठीक महसूस नहीं करते, कमजोरी का अभाव दिखता है, अनेक प्रकार की और समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, उनको एडमिट करके यहाँ पर 1 हफ्ते का इनका एक कोर्स चालू होने जा रहा है वो सोमवार से। सहारनपुर वासियों के लिए कोरोना संक्रमण के घटती संख्या के बीच एक अच्छी खबर यह है कि सहारनपुर जिला अस्पताल में ओपीडी शुरू हो गई है। कोविड के बढ़ते मामले के चलते जिला अस्पताल में ओपीडी बंद कर दी गई थी, जिसके चलते मरीजों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब फिलहाल मरीजों के लिए यह एक राहत भरी खबर सामने आई है। हालांकि समय सिर्फ 2 घंटे का ही निर्धारित किया गया है लेकिन फौरी तौर पर मरीजों को देखा जाने लगा है और उन्हें दवाएं भी दी जा रही हैं। जिला अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं की भी व्यवस्था कर दी गई है। जो कोविड की सेकेंड लहर थी है, जिसको बताते हैं, ये अप्रैल के लास्ट वीक और मई में बिल्कुल पीक पे थी है। बहुत केसेस थे उस समय, तो निश्चित तौर पे ओपीडी को बंद करना पड़ा सोशल डिस्टेंसिंग ये सब देखते हुए कि स्प्रेड और ना बढ़े इसका।
इसको बंद कर दिया गया था ओपीडी आईपीडीज को, है ना। मेन फोकस उस समय पूरा कोविड पर था। अब केसेस जो है बहुत कम हो गए, सभी जगह डाउनफॉल है। सहारनपुर में भी बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं केसेस अब तो ऑलमोस्ट, और लगे हुए हम लोग। लेकिन तो बाकी सेवाएं अब सरकार ने शुरू कर दी, जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, है ना, NHM के अंदर हैं, जो RBS के हैं हमारा, JSY है हमारा, जो सारे प्रोग्राम्स हैं वो सब दोबारा से OPD भी शुरू कर दिए, IPD भी शुरू कर दिए, निश्चित प्रोटोकॉल्स के तहत करिए 4 तारीख से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद तहसील प्रांगण में SDM की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान SDM ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां भी मनुष्य को प्रभावित कर रही हैं, खासकर बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है। वहीं SDM ने सभी लोगों से अपील की है कि वह लोग एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे। पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रतीकात्मक रूप से हम लोगों ने शुरू किया है। आज 5 वृक्षों के माध्यम से नीम, पीपल आदि के पेड़ लगाए गए हैं, और ये अभियान भी चलेगा। अभी हम अभियान चलाएंगे, गांव-गांव हम लोग इसको वृक्षारोपण कार्यक्रम करेंगे, और सभी से मेरा जनता से अपील है कि वो लोग वृक्षों को लगावें, पर्यावरण को संरक्षित करें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यूपी के जालौन जिले के आला अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों ने अपने अपने कार्यालयों और विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर सभी ने मानव जीवन बचाना है तो वृक्षारोपण करना चाहिए का संदेश भी दिया है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को ऑक्सीजन की कमी से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का संदेश दिया गया है। संभल के असमोली क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, एक दूसरे पर लाठियां बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मारपीट में शामिल एक परिवार यूपी पुलिस के पुलिसकर्मी का है। पुलिस के मुताबिक गांव में बिजली लाइन को लेकर पूरा बवाल हुआ था, जिसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों की सेवाएं दे रहे हैं और लोगों को काम भी बता रहे हैं, चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं आगरा की। जी हां, आगरा जनपद के बाह तहसील क्षेत्र से सटी चंबल नदी सेंचुरी में 1225 नन्हे घड़ियालों ने चंबल नदी का रुख कर लिया है। यूपी के संभल में सड़क किनारे खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसमें देखते ही देखते ट्रक जलकर खाक हो गया। ट्रक में आग की सूचना से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे लोगों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। आग लगने से 3 लाख का नुकसान हुआ है। तो यूपी के संभल में खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई। फिलहाल ये आग किस वजह से लगी, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो वही आगरा जनपद के बाह तहसील क्षेत्र से सटी चंबल नदी सेंचुरी में 1225 नन्हे घड़ियालों ने चंबल नदी का रुख कर लिया है। विश्व विलुप्त प्राय घड़ियालों का कुनबा लगातार चंबल नदी में बढ़ रहा है, जिससे वन विभाग उत्साहित भी है। एशिया की सबसे बड़ी घड़ियाल चंबल सेंचुरी में हैचिंग में जन्मे 1225 नन्हे घड़ियाल अपने कुनबे में शामिल हो गए हैं। चंबल नदी में नर घड़ियालों के परिवारों ने उनका स्वागत किया है। आपको बता दें कि पाली से पचनदा तक 3 राज्यों MP, UP, राजस्थान में होकर बहने वाली चंबल नदी में 1900
79 से लुप्त प्राय स्थिति में पहुंची घड़ियालों का संरक्षण हो रहा है, तो वहीं पर 10 साल से चंबल नदी में प्राकृतिक हैचिंग हो रही है। 65 से 70 दिन का हैचिंग पीरियड शुरू होने पर वन विभाग ने नेस्टों पर लगी जाली बिछाई थी। संभल पुलिस ने 18 मई से लापता शख्स का बोरे में बंद कूड़े के ढेर में दबे शव को बरामद करके हत्याकांड के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही से हत्या में प्रयुक्त तमंचा और एक कार भी बरामद कर ली है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि कोतवाली चंदौसी क्षेत्र निवासी मृतक के परिजनों ने बीते माह 18 मई को 40 वर्षीय नीरज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें परिजनों ने किशन नाम के शख्स को नामित करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में एक और आरोपी भीकम, जो किशन का रिश्तेदार है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ के बाद पता चला कि नीरज की हत्या 18 मई की रात्रि को ही किशन ने गोली मारकर कर दी थी। नीरज का किशन से पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था और इसी के चलते आरोपी ने मृतक नीरज को मौत के घाट उतार दिया। 18 तारीख को एक नीरज नामक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है, ये थाना चंदौसी से गुमशुदा हुआ था। इसके घर वालों के द्वारा तहरीर दी गई, उसके आधार पर 20 तारीख को थाना चंदौसी में धारा 364 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति किशन को नामित किया गया था, जिसको 29 तारीख को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आज एक और व्यक्ति, जिसका नाम भीकम सिंह है, जो किशन का रिश्तेदार है, इसको गिरफ्तार किया गया है, तथा इसकी निशानदेही पर जो नीरज है उसकी डेड बॉडी कस्बे के बाहर एक कूड़े के ढेर से वहाँ पर दबी हुई थी, वहाँ से बरामद की गई है। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त एक आल्टो गाड़ी व आला कत्ल भी बरामद किया गया है। यूपी के औरैया जिले में सपा नेताओं की दादागिरी बान की कुछ यूं नजर आई। सभी नियम कानूनों को ताक पर रखकर गाड़ियों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर विजय जुलूस निकाला। ये नजारा है सपा युवजन पार्टी औरैया के जिलाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव के काफिले का, जो हाल ही में गैंगस्टर एक्ट में जेल से छूटे हैं, जिसके बाद कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी और सपाई दहशत फैलाते हुए भी नजर आए। तो आपको बता दें कि सपाइयों ने विजय जुलूस निकाला, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना भूल गए। हालांकि इसको लेकर जो तस्वीर, ये जो वीडियो है, वायरल भी हो रहा है। गैंगस्टर एक्ट में छूटकर आई है औरैया के जिलाध्यक्ष, लेकिन उनकी जो दादागिरी है वो यहां पर देखने को साफ तौर पर नजर आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 49वां जन्मदिवस है। नाथ संप्रदाय के अगुवा गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने लगातार 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। जन्मदिन पर जानिए उनका सियासी सफर इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शनिवार को 49 वर्ष के हो गए हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में 5 जून 1972 को अजय सिंह बिष्ट के रूप में इनका जन्म हुआ था, लेकिन वो गोरखपुर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ बन गए और आज देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता के सिंहासन पर विराजमान है, जहां से होकर रास्ता दिल्ली तक जाता है। वो महज 26 साल की उम्र में संसद पहुंचे। योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के सामान्य राजपूत परिवार में हुआ था। पिता आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है।
योगी ने 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं पास की थी। 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की। जब वो स्नातक कर रहे थे तभी राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ और वो छात्र जीवन में ही राम मंदिर के आंदोलन से जुड़ गए। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे। उसी सीट से योगी 1998 में 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा पहुंचे और वो गोरखपुर से लगातार 2017 तक 5 बार सांसद रहे। सियासत में कदम रखने के बाद योगी आदित्यनाथ की छवि एक कठोर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उभर कर सामने आई। योगी ने अपनी हिंदू युवा वाहिनी भी बनाई, लिहाजा योगी के सियासी दुर्ग को न तो मुलायम सिंह का समाजवाद भेद पाया और न ही मायावती की सोशल इंजीनियरिंग काम आई। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है कि वो जनता से सीधा संवाद करने में विश्वास रखते हैं। 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री के चेहरे के कई दावेदार थे, लेकिन बाजी योगी आदित्यनाथ के हाथ लगी। योगी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने फैसलों से अपनी राजनीतिक इच्छा को जाहिर कर दिया। हालांकि प्रदेश में हुए एनकाउंटरों के कारण विपक्ष ने उंगलियां भी उठाई, लेकिन कानून व्यवस्था पर सख्त योगी पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं हुआ। कोरोना संकट में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर लगातार सक्रिय नजर आए। न्यूज इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश डेस्क की रिपोर्ट। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।